क्या उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, भाई मेरे। हेलो, तो आप तेजस्वी जी या अन्य पार्टियों की जहाँ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गणमान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सारे अच्छे थे आप लोगों का, दर्शकों का प्यार के लिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या राजनीति में हम है ही नहीं तो कहाँ से टिप्पणी कर देंगे। जी हाँ, क्या उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। मैं आपको कह रही हूँ कि शायद आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं, भाई मेरे। हेलो, पहले नहीं 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 पहले मेरे शब्दों को समझिए, उसके बाद अगर सवाल करेंगे तो मुझे भी जवाब देने में मजा आएगा। तो मेरा ये कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ रही हूँ, पहली बात। तो आप तेजस्वी जी या अन्य पार्टियों की जहाँ बात कर रहे हैं, बड़े बड़े गणमान्य लोगों की बात कर रहे हैं, सारे अच्छे हैं, सब मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मैं भी उन लोगों से मिलती रहती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपको एक बार फिर से ये बता रही हूँ कि मैं एक अभियान से जुड़ रही हूँ और इस अभियान को पॉजिटिव रूप में हम लेकर चलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। जी मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में तुर्रप खान है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने, मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियां को बदलने के लिए। जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का, जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर। क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो मैं किसी पार्टी से, अगर मुझे पार्टी से जुड़ना होता, मुझे किसी पार्टी से अगर जुड़ना होता तो मेरे सीनियर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं, बीजेपी में भी हैं, कुछ अलग पार्टियों में भी हैं, जहां मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कह के कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है विचारधारा पहले बदलना, जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पदयात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए। उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊं, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ साथ वो लोग भी जुड़े। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें, ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।